एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बीट्स। नाउ हमने ये देख लिया बीट्स क्या होती हैं, हाउ बीट्स आर फॉर्म्ड, व्हाट इज द कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। यस, व्हाट इज द कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ बीट्स? फ्रीक्वेंसी डिफरेंस मस्ट बी देयर बट शुड बी लेस देन 10 हर्ट्ज, शुड बी लेस देन 10 हर्ट्ज, ये कंडीशन है फॉर फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। ठीक है, आफ्टर दिस एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बीट्स, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हमने कर ली थी बीट्स का, थोड़ी किया हमने, अब बीट्स का करेंगे ना। अभी तो हमने स्टैंडिंग वेव्स की थी, वो डेरिवेशन थोड़ी है। डेरिवेशन अब देखो ये है। नहीं कोई बात नहीं, करनी तो पड़ेगी ना। एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बीट्स स्टेप वाइज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें वेव फंक्शन हमारा इजी हो रहा है। वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, सिंपली ये ले रहे हैं, ओमेगा होता है 2π ν, बिकॉज नाउ वी वॉन्ट आर वेव फंक्शन इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, सो वी वॉन्ट बी टेकिंग दैट प्रीवियस वेव फंक्शन दैट वी यूज टू टेक इन स्टैंडिंग वेव्स, वाई इज इक्वल टू ए साइन 2π/λ वी टी माइनस एक्स, वो नहीं ले रहे हमें। अब फ्रीक्वेंसी के टर्म में चाहिए तो बिल्कुल सिंपल वही जो एस एच एम से ले रहे हैं वही वाला ले लिया हमने, वाई इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी या ए साइन ओमेगा टी, वो ले लिया। तो अब ये फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में है, सो हाउ कैन वी राइट द टू वेव्स, देयर फ्रीक्वेंसीज आर डिफरेंट। तो एक की फ्रीक्वेंसी न्यू वन है, एक की फ्रीक्वेंसी न्यू टू, सो दे सुपर इम्पोज। एंड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, y इक्वल टू y1 प्लस y2, वही स्टेप जो हर डेरिवेशन में यूज कर रहे हैं, a कॉमन अब फिर से cd फॉर्मूला लगाएंगे, sin c प्लस sin d, अब तक याद हो गया होगा 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2, तो यहाँ पे 2 आ गया साइन सी प्लस डी बाय 2, सी प्लस डी को सॉल्व करते हैं रफ में, 2 पाई न्यू 1 टी 2 पाई न्यू 2 टी सी प्लस डी बाय 2। ठीक है, यहाँ से हम 2 पाई न्यू 1 प्लस न्यू 2 टी लिख देते हैं ओवर 2, तो ये आ गया आपका सी प्लस डी बाय 2 पाई न्यू 1 प्लस न्यू 2 टी। सेम वे सी माइनस डी बाय 2 विल बी पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 टी। सो इज दिस स्टेप क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल साइन सी प्लस साइन डी इज 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2। Now, which term is more important, do you think? The term containing sum of frequencies or difference of frequencies in beats? Difference. यहाँ पे हम frequency difference कह रहे हैं ना, 10 hertz से ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? So it this is all the game of frequency difference. So this term is important. So if the amplitude is maximum or minimum, that will depend on this term. Frequency difference is very important in case of beats, right? अब बीट्स के केस में टू केसेस लेते हैं, एक राइज भी हो सकता है फॉल भी हो सकता है। सो ड्यूरिंग राइज एम्पलीट्यूड शुड बी मैक्सिमम एंड ड्यूरिंग फॉल एम्पलीट्यूड शुड बी मिनिमम। सो टू केसेस साइड बाय साइड वी विल बी डूइंग। अब वाई मैक्सिमम, एज आई टोल्ड यू, तब होगा व्हेन दिस टर्म इज मैक्सिमम। ठीक है, कब कब होता है कॉस प्लस वन?
कॉस प्लस वन कॉस जीरो पे होता है, कॉस पाई माइनस वन होता है वो नहीं लेंगे, कॉस टू पाई पॉजिटिव होता है, फाइव पाई जो थ्री पाई है वो माइनस होता है, तो इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, कॉस एन पाई टू एन पाई आप कह सकते हो, ठीक है। हाँ ये बाहर है, ठीक है, प्लस माइनस वन दोनों ही ले लो इसमें, तो ये एन पाई आ जाएगा, कॉस एन पाई, नहीं ये दो डायरेक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव मैक्सिमा आ जाएगा ना, वो ले लो, सो पाई उसमें भी हमने ऐसे ही लिया स्टैंडिंग वेव से, इज एन पाई, टी आ गया एन ओवर म्यू वन माइनस म्यू टू, सो दीज आर द टाइम्स एट विच द राइजेस इन द बीट्स दे अकर, क्योंकि प्लस माइनस वन होता है ना कॉज, अगर एन को जीरो पुट करो तो कॉज आ गया प्लस वन, अगर वन पुट करोगे तो माइनस वन, टू पुट करोगे तो प्लस वन, थ्री पुट करोगे तो माइनस वन, एंड सो ऑन, मतलब कि प्लस माइनस वन को हम कॉज की टर्म्स में एन पाई लिख सकते हैं। सो नाउ इफ दीज आर द टाइम्स फॉर डिफरेंट राइजेस, लेट अस फाइंड बीट फ्रीक्वेंसी, देन ये बीट टाइम पीरियड आ गया, सो बीट फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ बीट पीरियड, बीट पीरियड निकालना पड़ेगा, एक सेकेंड, पहले हम डिफरेंट राइजेस के टाइम्स निकालते हैं, पुट एन इक्वल टू वन, पुट एन इक्वल टू टू, ये टाइम फॉर सेकेंड राइज आ गया, सो ऑन, सो हाउ विल यू कैलकुलेट बीट पीरियड डेल्टा टी, सब्ट्रैक्ट एनी टू टाइम इंटरवल्स, आई एम डूइंग इट हियर, सब्ट्रैक्ट एनी टू टाइम इंटरवल्स, डेल्टा टी इज टी टू माइनस टी वन, टू ओवर न्यू वन माइनस न्यू टू, माइनस वन ओवर न्यू वन माइनस न्यू टू, वन ओवर न्यू वन माइनस न्यू टू आफ्टर टेकिंग एलसीएम, दिस इज बीट पीरियड, सो बीट फ्रीक्वेंसी विल बी रेसिप्रोकल ऑफ बीट पीरियड, सो बीट फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंस ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज, सो यस द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ बीट्स, तो अगर हम राइजेस लेकर चलते हैं तो बीट फ्रीक्वेंसी इतनी आ रही, वी वर मेनली कंसर्न्ड अबाउट बीट फ्रीक्वेंसी, तो अगर हम राइज लेके चलते हैं तो तब बीट फ्रीक्वेंसी आती है डिफरेंस ऑफ द टू फ्रीक्वेंसीज न्यू वन माइनस न्यू टू, अभी मिनिमम लेके देखते हैं क्या आएगा, और बेटा बस अब कॉल्स लेते हैं, वाई मिनिमम, वाई मिनिमम है मतलब कॉज की ये टर्म जीरो होगी, मिनिमम होगी, अब कॉज जीरो कब कब होता है, आई एम राइटिंग हियर 90 डिग्री, कॉज 90 जीरो होता है, मतलब ऑड मल्टीपल्स जो होते हैं 90 डिग्री के, 2n माइनस 1 पाई बाय 2 cos 2n माइनस 1 पाई बाय 2 ऑड मल्टीपल आ जाएंगे इसमें, इफ यू विल पुट n इक्वल टू 1 दिस विल बी पाई बाय 2, इफ यू पुट n इक्वल टू 2 दिस विल बी 3 पाई बाय 2, 270 डिग्री, cos 270 इज आल्सो 0, लाइक दैट, सो ऑन, कौन सा, नहीं नहीं वो डिपेंड तो उसी टर्म पे के ऊपर कर रहा है ना, वाई मिनिमम कब है, जब ये टर्म आपकी वैनिश हो जाएगी, और मैक्सिमम कब है, जब आपका ये टर्म प्लस माइनस वन, ये जीरो हो जाएगा ना फिर, अगर ये टर्म आपकी जीरो हो गई तो ये वाई आपका मिनिमम हो गया, जीरो हो गया, तो चलिए एंगल्स को इक्वेट करते हैं, सो पाई न्यू वन माइनस न्यू टू टी
इक्वल टू टू एन माइनस वन पाई बाय टू। सो दीज आर द टाइम्स एट विच फॉल्स अकर, ये फॉल्स के टाइम्स आ गए आपके पास। तो इसमें वन टू थ्री पुट करके हम फर्स्ट फॉल, सेकेंड फॉल, थर्ड फॉल का टाइम निकाल सकते हैं, सो ऑन। सो पुट एन इक्वल टू वन, टाइम फॉर फर्स्ट फॉल, पुट एन इक्वल टू टू, टाइम फॉर सेकेंड फॉल, टाइम फॉर सेकेंड फॉल टी थ्री, पुट एन इक्वल टू थ्री, टाइम फॉर थर्ड फॉल एंड सो ऑन। तो बीट पीरियड इज डिफरेंस ऑफ एनी टू टाइम्स। अब टी थ्री माइनस टी टू कर लेते हैं, टी टू माइनस टी वन भी कर सकते थे फिर से, लेट अस डू इट। टी थ्री माइनस टी टू, ये दोबारा लिख रही हूं। सो दिस इज टी थ्री माइनस टी टू, सपोज देख लो यहां तक हमने n इक्वल वन टू थ्री पुट कर दिया, t1 t2 t3 सो ऑन आ गया हमारे पास। तो दोनों को ही दो को माइनस करते हैं, फाइव ओवर टू न्यू वन माइनस न्यू टू माइनस थ्री ओवर टू न्यू वन माइनस न्यू टू। एलसीएम ले लो, सो बीट पीरियड इज अगेन, बीट पीरियड इज अगेन वन ओवर न्यू वन माइनस न्यू टू, बीट पीरियड इज अगेन वन ओवर न्यू वन माइनस न्यू। सो वेदर इट इज राइज वेदर इट इज फॉल, बीट पीरियड हमारा सेम आ रहा है, हेंस द बीट फ्रीक्वेंसी आल्सो। सो द बीट फ्रीक्वेंसी इज अगेन न्यू वन माइनस न्यू टू। सो इन केस ऑफ बीट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी लर्न इज फ्रीक्वेंसी डिफरेंस शुड बी देयर। तो ये एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बीट्स है, आपने बीट फ्रीक्वेंसी तक सॉल्व करना है। दोनों केसेस वो वैसे बताते नहीं है, वो नहीं बताते हम ऐसे। तो आपको यू विल कम टू नो कि किसमें फाइव मार्क्स का आना है, उसमें से आप करोगे ही टू मार्क्स के, तो वो वहां से देख लो फिर। अभी बीट्स की एप्लीकेशन रहती है, उसके बाद आप कर लेना अपने डाउट्स क्लियर। एप्लीकेशंस ऑफ बीट्स, ठीक है, लेट्स फिनिश इट। Applications of beats. How is this concept of beats useful? First is tuning of musical instruments. Suppose there is a concert at a sound hall or auditorium. तो कॉन्सर्ट के टाइम पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून कैसे किया जाता है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ बीट्स, ठीक है। अ बीट डिटेक्टर इज अटैच टू देम एंड दे आर ट्यून्ड, दे आर सेट टिल देयर आर नो बीट्स फॉर्म्ड। अगर बीट्स बन रही हैं, दैट मींस दे आर बीइंग प्लेड एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, बिकॉज यू नो व्हाट इज द कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ बीट्स, देयर मस्ट बी फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। तो अगर बीट्स नहीं बन रही, उसका मतलब क्या है कि उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, तो वो सेम रिदम में बिल्कुल सेम फ्रीक्वेंसी पे प्ले हो रही है। सो द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्यून्ड, डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्यून्ड टिल नो बीट्स आर हर्ड। सो अ बीट डिटेक्टर इज कनेक्टेड टू देम टिल नो बीट्स आर हर्ड, क्यों वही तो बता रही हूं। अगर बीट्स बनेगी, इसका मतलब है कि उनकी डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे प्ले हो रहे हैं, वो ट्यून्ड नहीं है। हाँ, तो अब उनको एक फ्रीक्वेंसी पे सेट करेंगे
उससे अब बीट्स जो है वो नहीं बननी चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी सेम हो तो बीट्स नहीं ना बनती, ये कंडीशन है कि फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होना चाहिए। सेकेंड इज डिटेक्शन ऑफ या चेकिंग ऑफ प्योरिटी ऑफ माइन एयर। वी कैन चेक प्योरिटी ऑफ माइन एयर, वेदर माइन एयर इज कंटेमिनेटेड और नॉट। जो माइन से एयर आ रही होती है उसमें यूजुअली हार्मफुल पॉइजनस गैसेस होती है, ठीक है, उसमें पॉइजनस गैसेस होती है, तो वो माइन एयर प्योर है कि नहीं उसको चेक करने के लिए वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ बीट्स। हाउ इट इज डन, टू सैंपल्स आर टेकन, वन ऑफ प्योर एयर एंड अनदर ऑफ माइन एयर, एंड दे आर ब्लोड साइमल्टेनियसली, दे आर अलाउड टू फॉर्म बीट्स। इफ द माइन एयर इज कंटेमिनेटेड मीन्स इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्योर एयर, देन बीट्स विल बी फॉर्म्ड। If no beads are formed, that means mine air is same as pure air, means it's pure. उनकी अगर frequency same है, अगर बिल्कुल एक जैसी है तो beads नहीं बनेंगे। So by concept of beads, the purity of mine air can be checked. Okay, two samples, one of pure air, one of mine air, they are taken and they are blowed simultaneously. ठीक है, और अगर beads बन रही हैं तो इसका मतलब उनकी प्योरिटी डिफरेंट है, मतलब कंटेमिनेटेड है माइन एयर। इफ नो बीट्स आर फाउंड दैट मींस माइन एयर इज प्योर। नेक्स्ट इज टू प्रोड्यूस लो ऑसिलेशंस। हाई ऑसिलेटर्स आर इजीली अवेलेबल, लो ऑसिलेशंस अचीव करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है कई बार। यूजुअली जब ऑसिलेटर्स को इकट्ठे ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, ट्यून करते हैं, तो उनसे हाई ऑसिलेशंस तो इजीली प्रोड्यूस हो जाती है। लो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करना एक चैलेंजिंग टास्क है, एंड देयर आर सम एप्लीकेशंस वेयर वी नीड लो ऑसिलेशंस आल्सो। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, बीट्स में क्या होता है, एक राइज भी होता है, फॉल भी होता है। फॉल के टाइम पे लो ऑसिलेशंस अवेलेबल हो सकते हैं, राइज के टाइम पे ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, हमने देखा है बीट्स के ग्राफ से, और लो ऑसिलेशंस के टाइम पे बीट्स जो है उसका एम्पलीट्यूड कम भी हो जाता है। So low oscillations are also achieved by the concept of beats. Next hai, to find the unknown frequency of a tuning fork. Suppose कर लो आपके पास two tuning forks है, A और B. First की frequency है 256 hertz और second की आपको पता नहीं, ठीक है, वो आपने फाइंड करनी है। यू कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ बीट्स टू डू दैट। नाउ व्हाट इज डन, द टू ट्यूनिंग फोक्स आर साउंडेड टुगेदर एंड दे आर अलाउड टू फॉर्म बीट्स। ठीक है, दोनों की बीट्स हम नंबर काउंट कर लेते हैं। सपोज फोर बीट्स आर फॉर्म्ड, देन अननोन फ्रीक्वेंसी विल बी 256 प्लस माइनस 4 हर्ट्ज। Unknown frequency will be 256 plus minus 4 hertz. मतलब या तो 260 hertz हो जाएगी, 256 plus 4, या फिर 252 hertz होनी चाहिए। इन दोनों में से एक आंसर है, बट स्पेसिफिकली कौन सा आंसर है उसके लिए फर्दर वी कैन यूज टू मेथड्स, लोडिंग एंड फाइलिंग। व्हाट इज लोडिंग मेथड, लोडिंग मेथड में क्या करते हैं कि वन ऑफ द प्रॉन्ग्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी इज वैक्स्ड, एक के ऊपर वैक्स लगा देते हैं, उसके प्रॉन्ग्स के ऊपर वैक्स लगा देते हैं ताकि उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब हैवी हो जाए, उसको लोड कर रहे हैं वैक्स के साथ, लोड कर रहे हैं। नाउ अगेन द टू ट्यूनिंग फोक्स आर साउंडेड टुगेदर, दोबारा से वो हम उनको बीट्स फॉर्म करने के लिए अलाउ करेंगे। अब सपोज अगर नंबर ऑफ बीट्स कम हो जाती हैं पहले से, सपोज थ्री बीट्स आर फॉर्म्ड, तो आपका आंसर ज्यादा वाला होगा, आपका आंसर है 260 हर्ट्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और अगर आपकी बीट्स पहले से ज्यादा हो जाती है, 4 की जगह आप 5 बननी शुरू हो जाती है, तो आपका आंसर 252 हर्ट्ज होगा। दिस इज लोडिंग मेथड, उसका मास कम कर दिया। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इज 1/2L अंडर रूट टी बाय म्यू, म्यू मास पर यूनिट लेंथ होता है, वहां पे मास डेंसिटी होता है, मास कम कर दिया तो उससे क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी कम हो गई उसकी। तो जब हम उनका साउंड करेंगे तो फिर ये इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी आएगी, इफ नंबर ऑफ बीट्स इंक्रीजेस देन बिफोर आंसर कम वाला है,
इफ डिक्रीजेस देन बिफोर आंसर ज्यादा वर्क. ये है लोडिंग मेथड. हाँ, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी ना, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी. अब फाइलिंग मेथड. फाइलिंग मेथड में क्या करते हैं हम, आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते. फाइलिंग में क्या करेंगे, हम प्रॉन्ग्स को फाइल कर देंगे, मतलब उसका मास कम कर देंगे. अब मास कम कर देंगे, फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर देंगे. अगेन द टू ट्यूनिंग फोक्स विल बी साउंडेड टुगेदर. नाउ डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी विल बी देयर. अगर नंबर ऑफ बीट्स अब इंक्रीज हो रही है फाइलिंग में, 5 बीट्स आ रही है सपोज, तो आपका आंसर ज्यादा वाला होगा, 260 होगा. और अगर बीट्स पहले से कम हो रही है तो आपका आंसर कम वाला ही होगा. यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी आ रही. तो एनी ऑफ दीज टू मेथड यू कैन यूज फॉर फाइंडिंग अननोन फ्रीक्वेंसी. नहीं, सेम सेम कॉन्सेप्ट आएगा, सेम आएगा ना. अगर हम लोड कर रहे हैं तो आपका ज्यादा वाले में कम का आंसर है, अगर हम फाइल कर रहे हैं तो कम वाले में कम, ज्यादा वाले में ज्यादा, आंसर वही आएगा. आप दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हो फर्दर. ठीक है. सो नाउ आर यूनिट इज ओवर. ये वाला यूनिट वेव्स एंड ऑसिलेशंस, नाउ इट्स ओवर. ठीक है, तो आप इसको अच्छे से अब पढ़िए.